Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. नमस्कार दोस्तों, MSW के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं MSW के जॉब के बारे में नए नए वीडियो लेके आऊँगा। आज हम बात करेंगे न्यू दिल्ली में आई हुई MSW की जॉब के बारे में। अच्छी खासी सैलरी है और ज़्यादा भी पोस्ट है। हम बात करेंगे नेशनल टैक्सी कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि गवर्नमेंट शाखा में वैकेंसी पड़ी हुई है। हम नेमो पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो दिखाई गई। हम सिर्फ MSW की नेमो पोस्ट के बारे में बात करेंगे। जनरल मैनेजर 85 ईयर मांगे हुए, इसमें ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इसमें भी इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर है, इसमें भी इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर, CEO अकाउंट चार्टर अकाउंटर हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर CA, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉइंट मैनेजर, इसमें भी CA अप्लाई कर सकते हैं। डेप्यूटी मैनेजर, हम बात करेंगे MSW के बारे में। डेप्यूटी जनरल मैनेजर MSW मांगा हुआ है। 45 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकता है, जो भी व्यक्ति हो इसमें अप्लाई कर सकता है। सैलरी भी अच्छी है। सीनियर मैनेजर 4 पोस्ट है MSW, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर, इसमें 1 पोस्ट है, इसमें भी MSW अप्लाई कर सकता है। डेप्यूटी मैनेजर, इसमें 25 पोस्ट है, 35 ईयर्स मांगे हुए है, MSW है। क्वालिफिकेशन अच्छी खासी सैलरी दी गई हुई है, इसमें अप्लाई कर सकता है। जो भी 35 ईयर्स के ऊपर नहीं गया है बंदा, तो 35 ईयर्स के नीचे है, इसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छी खासी पोस्ट है। सीनियर मैनेजर, इसमें LLB है। जॉइंट मैनेजर, इसमें भी LLB है। सीनियर मैनेजर, इसमें भी BTH है। आप जैसे आप देख सकते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई हुई है इसमें। जो आपने पहले दिखाई हुई गई थी टेक्निकल पोस्ट है। हम सिर्फ MSW की पोस्ट में बारे में बात करेंगे। जो MSW की पोस्ट है इसमें भी बारे में बात करेंगे। अदर पोस्ट के बारे में बात करने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जो आप देख सकते हैं अदर, हाँ, वुमन रिसोर्स यानी MSW HR यानी जो आपने पहले दिखाई गई थी डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इसमें 14 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन यानी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सीनियर मैनेजर HR, इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मैनेजर, इसमें 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। डेप्यूटी मैनेजर, इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। जो आप देख सकते हैं, लेकिन IT की पोस्ट है, लीगल पोस्ट है, LLB जो आपको दिखा गई वो सब पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन जो हो उसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें अप्लाई कैसे करें वो मैं बता देता हूँ। इसमें अप्लाई ऐसे करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उसमें से आपको ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। उसके बाद उसके नीचे एक फॉर्म दिया गया हुआ है, वो फॉर्म भर के आपको पोस्ट करना है। इसमें 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको पे करना पड़ेगा। इस लास्ट डेट है 31 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप 12 अप्रैल तक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ST ST जनरल सब 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। सारा पढ़ने जाऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं दिखा देता हूँ फॉर्म कैसा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप देख सकते हैं
इसी तरह का फॉर्म आएगा जो आपको डाउनलोड करना है वो भी लिखा हुआ है, और सबमिट ऐसे करना है जो डाउनलोड फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट द्वारा आपको भेजना है 300 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेजना है। उसके रूल्स है कि 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट होगा तो भी आपकी एप्लीकेशन मंजूर की जाएगी। मैं अब आपको दिखा देता हूँ फॉर्म कैसा होगा, जो मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही होगा जो आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसा होगा। ये देख लो आप, नेशनल टैक्स जो ऐसा फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ऐसा फॉर्म भर के आपको फिलअप करना पड़ेगा, आपकी सारी क्वालिफिकेशन सारी डिटेल इसमें भरनी पड़ेगी। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।